हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आप सब लोग कैसे हो गाइस? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गाइस। तो देखिए, आज मैं जो है आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो जापान का जो कप रामेन होता है, वो कप रामेन किस टाइप का होता है और कैसे खाता है, उसका क्या क्या प्रोसेसिंग, कैसे उसको रेडी करना पड़ता है, कैसे आप इजी में खा सकते हो। तो कप रामेन जो है गाइस बहुत ही ईजी फूड है, वो पैक में रहता है, फिर उसी का अंदर आप गर्म पानी ढालो, डाल के 5 मिनट रेडी करके खाओ, इसी टाइप का होता है। ठीक है गाइस, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस देखिए, ये जो है कप रामेन, कप उदन का सेक्शन है, ये शॉप में आ गए हम लोग। रेडी फूड है, इसमें अंदर गर्म पानी डाल के आप लोग खा सकते हो। तो यहाँ से मैं अभी लूँगा, देखता हूँ रामेन लेता हूँ या उदन लेता हूँ, जो भी एक अच्छा लगता है वो लेता हूँ मैं। इसका अंदर अलग अलग टाइप का है, अलग अलग मीठ का है, तो मैं देख देख के ठीक ठाक से लूँगा। देखिए सब कप रामेन है, कप रामेन, कप उदन। देखिए अभी फिर जाके खाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए ये रामेन का जो सेक्शन है, कप रामेन बोलते हैं इसको। तो ये मैं ले लिया, इसमें अभी गर्म पानी डाल के मैं बैठ के खाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो एक हमारे देश में जो नूडल्स होते हैं, नूडल्स का ऐसा है, मैगी का ऐसा है, लेकिन इसमें सूप डाल के पानी गर्म पानी डाल के डायरेक्ट खा सकते हो, 2 मिनट में रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं ले लिया। ठीक है, अभी जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ खाते। तो गाइस देखिए, मैं अभी जापान का जो कप रामेन होता है, कप रामेन बोलता है, तो कप रामेन खरीद के लाया। देखिए पैकिंग है, तो इसको अभी मैं खाऊंगा और क्या क्या प्रोसेसिंग है इसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए कप रामेन। ये कप रामेन का मतलब जो है इंडिया में जो नूडल्स होता है, नूडल्स टाइप का, मैगी टाइप का है जिस, तो ये सब रेडी है, इसका अंदर सब कुछ है, मीट चिकन और ये सब है, जो भी वेजिटेबल वगैरह भी है, कॉर्न भी है। देखिए लेकिन ये बहुत सस्ता है, 110 येन में खरीदा, मैं जापान का सबसे सस्ता फूड है कप रामेन। तो अभी इसको मैं खाऊंगा और इसको खाने के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग वो मैं दिखाऊंगा। देखिए ये जो है सब रेडी है, लेकिन इसका अंदर जो है पानी नहीं है, ये ड्राई है, तो इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो मैं पानी देखिए रूम से गर्म करके लेके आ, ये देखिए फ्लास्क पे, तो इसमें मैं ढालूंगा, डाल के 5 मिनट ऐसे रखूंगा, फिर ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर उसको खा सकते हो आप 5 मिनट बाद में। तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए, और मैं सब लेके आया, ये देखिए चॉपस्टिक ले गया, स्पून ले गया, जैसे मैं मुझे खाने के लिए जी होता वैसे मैं खाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए। तो गाइस मैं देखो पानी लेके आया, ये पानी ओपन करता हूँ, ये ओपन कर लिया पानी। ठीक है, अब मैं रामेन का जो पैक है इसको भी ओपन करता हूँ, ये देखिए ओपन किया, ये ओपन कर लिया। ठीक है, ये देखिए रामेन का पैक मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या स्पाइस है, ये देखिए स्पाइस, ये लगते सॉस, ये सूप है, मिशो सूप, ये देखिए। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ सब, ये देखिए अभी ड्राई है, ये देखिए ड्राई। ठीक है, तो आप लोग देखिए मैं क्या क्या प्रोसेसिंग है इसका, फुल दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए इसका जो सूप है, मिसो सूप, जापानीज का, जापानीज जो सूप है मिसो सूप, ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए ये जो है स्पाइस कुछ है, देखिए इसके अंदर ये भी डाल देता हूँ, देखिए स्पाइस। तो जापान का जो कप रामेन है इस टाइप का होता है गाइस, ये देखिए इसके अंदर मैंने सब डाल दिया, ये देखिए स्पाइस और जो सूप का जो लिक्विड था वो डाल दिया, ये देखिए। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, देखिए गर्म करके लेके आया था पानी में घर से, ये डाल रहा हूँ, देखिए ये देखिए फुल पानी डाल दूंगा इसमें, फुल भर दूंगा पानी कप में।
देखिए मैं जितना पानी ले गया था सब डाल दिया। अभी इसमें ऐसे ही 5 मिनट या 2-4 मिनट ऐसे पैक करके रखता हूँ उसको। ठीक है, देखिए 5 मिनट ऐसे पैक करके रख दूंगा। तो इसको जो है गाइस मैं 5 मिनट बाद में ओपन करूंगा। ठीक है, तो गाइस देखिए इसमें जो गरम पानी ढाला मैंने तो 5 मिनट हो गया। अभी देखिए तैयार हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ओपन करके। ये देखिए तैयार हो गया। ये देखिए मैं भी इसको स्टार्ट करूंगा खाना, तो आप लोग देखते रहिए। ये हमारा देश में जो मैगी होता है, मैगी टाइप का है, जापान में रामेन बोलते हैं इसको, कप रामेन। ठीक है, इसमें गर्म पानी ढाला, अभी रेडी हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ खाना, थोड़ा पहले इसको मिला के लेता हूँ अच्छी तरह से। देखिए ठीक है, ये देखिए इसको पहले मिला के लेता हूँ। ये देखिए तैयार हो गया, टोटली तैयार हो गया। देखिए ये गाइस, ये देखिए सूप हो गया। अगर आपको कभी पैसा नहीं होता है, पकड़ में कम पैसा है, तो आप 110 येन में खरीद के, जो जापान का जो 110 येन वाला एक शॉप होता है, याक्यन शॉप बोलता है, उसमें जाके खरीद के ऐसा आप घर में जाके पानी गर्म कर ढाल के इसको खा सकते हो। उससे बहुत इजी फूड है। ठीक है, पैसा अगर पकड़ में कम हो तो कभी ऐसा हो जाता ना इंसान को, इस टाइप का होता है, ऐसा खाना खा सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा सा रेडी हो गया। देखिए ये देखिए रामेन, ये देखिए देखा, ये देखिए ये रेडी हो गया, फुल रेडी। अब मैं इसको खाऊंगा। ठीक है गाइस, मेरा मुंह में पानी आ रहा है, मैं अभी इसको खाऊंगा। बहुत ही अच्छा सूप है, देखिए सूप भी पी लेता थोड़ा सा। वाव, बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी है। तो जापान में सबसे सस्ता फूड है, 110 येन में खरीदा मैंने इसको, खरीद के रेडी करके पानी लेके आया था, गर्म करके पानी डाल के इसको 5 मिनट बाद खोला, खोल के रेडी करके अब मैं खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी फूड है ये गाइस। कभी आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, काम पे जाओगे टाइम नहीं मिल रहा है, ड्यूटी का टाइम हो गया, तो ऐसा खा के भी जा सकते हो। ठीक है ना, तो मैं अभी खा रहा हूँ। देखिए बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत ही मजा आ रहा है। आप लोग अभी अगर कभी जापान में आओगे तो जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है खाने के लिए, बहुत सस्ता खाना है। बहुत ही टेस्टी है गाइस, पतला सूप है और उसका अंदर नूडल्स है, जो मैगी भी बोल सकते हो, हमारे देश में मैगी भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए बहुत ही टेस्टी है, टेस्ट भी अच्छा है गाइस। सूप पीता पहले, ओशी ओशी, बहुत टेस्टी है गाइस। आप लोग जापान में आओगे तो जरूर ट्राई करना, बहुत सस्ता खाना है।
बहुत मजा आया गाइस, ठंडी का मौसम है, सूप पी के बहुत मजा गया। देखिए सब पी लिया। देखिए गाइस पूरा खत्म, बॉडी भी गर्म हो गया गाइस, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो गाइस ठीक है, फिर आज आप लोगों को दिखाया मैंने जापान का रामेन कैसा खाता है और क्या प्राइस है, क्या क्या सब दिखाया गाइस। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। अगर इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और आप लोग किस तरह का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं फिर आप लोग के लिए उस टाइप का वीडियो बनाते रहूंगा, ठीक है गाइस। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुशपश रहिए, मस्त होकर रहिए यार, ठीक है। और इस चैनल में नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ठीक है, ओके बाय।